गरीबों के मसीहा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर हसनपुरा पंचायत के पिपरहिया गांव में आरा सदर पूर्वी 25 के जिला पार्षद और युवा राजद के प्रवक्ता धनंजय यादव के नेतृत्व में और सौजन्य से सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। उक्त अवसर पर हसनपुरा सहित आसपास के पंचायतों के गरीबों गुरबों के लिए भोजन की व्यवस्था स्थानीय श्री कृष्ण मंदिर के समीप किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में गरीबों ने श्री लालू प्रसाद यादव के कृत्यों को याद किया एवं उनके दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की ईश्वर से कामना भी किया। उक्त अवसर पर धनंजय यादव ने कहा कि लालू यादव एक व्यक्ति नहीं विचार है और यह विचार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही गांव गरीब किसान और मजदूर मजबूत होंगे। सामाजिक न्याय और सद्भाव के लिए लालू यादव के हाथों को मजबूत करना बहुत जरूरी है तथा बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने की नितांत आवश्यकता है। मौके पर हसनपुरा पंचायत के मुखिया वीर बहादुर, गठौला पंचायत के मुखिया संजय यादव, युवा नेता मुकेश सिंह यादव, ब्रह्मदेव यादव, चंदन यादव, अरुण मास्टर सहित सैकड़ों की संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अवसर बताया जाए आज लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर महादलित बस्ती में एक भोज का आयोजन किया गया है। देखिए, हर साल हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलजुल कर लालू जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर को सद्भावना दिवस, सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं और इस अवसर पर किसी न किसी गांव में जाकर महादलित बस्ती में बीच में बैठकर और उन लोगों के लिए हम लोग भोजन का इंतजाम करते हैं और सारे महादलित लोगों को गरीब गुरबों। आखिर महादलित बस्ती ही क्यों? लालू जी का इन लोगों के प्रति बहुत झुकाव था और महादलित बस्ती ही नहीं कहिए कि गरीब गुरबों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है पार्टी का गाइडलाइन कि आप लोग महादलित के ही बीच में खेलिए, लेकिन है कि गरीब गुरबों के बीच में जाइए और जा करके जो समाज में सब, यानी कहा जा सकता है कि सबसे पिछड़े पायदान वाले को, पीछे जो छूट गए हैं, जो सबसे समाज में निचले पायदान पर खड़े हैं, उन लोगों के बीच में जा करके। और देखिए, खाना खिलाने का भी एक तरीका है कि इसी माध्यम से हम लोग इन लोगों के साथ जुड़ते हैं और इनके गांव में देखते हैं कि और इनको क्या क्या हम लोग सहयोग कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं और लगातार हम लोग ये सब करने का काम करते हैं। ठीक।